हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और ये जो वीडियो है ना, ये कल वाला व्लॉग ही कंटिन्यू हो रहा है। कल मैंने वीडियो लंबी होने की वजह से बीच में ही एंड कर दी थी। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कल कि मैं निबोना बनाने जा रही हूँ और बस उसी की तैयारियों में यहाँ पर लगी हुई हूँ। तो मटर मैंने धुल दिए और चावल भी धुल दिए हैं। तो चलिए चावल जो है वो चढ़ा देते हैं। और उससे पहले मैं चावल चढ़ा करके ना यहाँ पर बाहर आ गई हूँ। सुबह मैंने कपड़े धुले थे, आपने देखे थे, सारे फैला भी दिए थे। बट कुछ कपड़े जो है वो इजी से हस्बैंड ने धुले थे, जैसे अपनी जैकेट। ये मशीन वॉश की नहीं है, तो ये दो जैकेट थी इनकी, ग्रीन और येलो कलर की। और एक दो कपड़े थे आयना और यशी के, स्वेट शर्ट, वो भी हैंड वॉश वाले थे। तो वो सब मैंने इनको दे दिए थे, तो इन्होंने धुल दिए। मैंने बस मशीन में ड्राई करके और यहाँ धूप में डाल दिया है। और ये जो बेडशीट है ना, इसी में यशी ने कल वोमिटिंग की थी, तो मैं एक बार चेक कर रही थी कि स्मेल तो नहीं आ रही। और मेरे जैकेट वगैरह में भी हो गई थी, सारे मैंने चेक किए, स्मेल नहीं आ रही थी। तब जाकर मैंने इनको फोल्ड करके रखा है कबर्ड में। अगर बिल्कुल भी आ रही होती तो मैंने दोबारा से डालने वाली थी धुलने के लिए। लेकिन मैंने बहुत अच्छे से 3-4 बार वॉशिंग पाउडर डाल डाल के खूब अच्छे से धुले थे, तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। तो मैंने फोल्ड करके रख दिए हैं। तो कपड़ों वाला जो काम था वो सब हो गया, अब कपड़े आराम से सूखते रहेंगे। आज तो धूप भी कमाल की निकल आई थी। मैं कल बहुत टेंशन में थी, मुझे लगा पता नहीं धूप निकलेगी कि नहीं निकलेगी, कैसे ये सारे कपड़े सूखेंगे सब, क्योंकि हैवी हैवी थे रजाई। बट बहुत अच्छी धूप निकली है, अब आराम से सूख जाएंगे। और ये दोनों आ रही हैं ऊपर, छत में गई थी खेलने के लिए, धूप भी थी, तो वहीं अपना खेल के आई है नीचे। अभी अभी ये दोनों देखेंगे टीवी और मैं फटाफट खाना बना लूँ। मेरा टारगेट है 1 घंटे के अंदर खाना तैयार करना है। तो चावल ना मैंने धुल कर रख दिए थे, बस चढ़ाए नहीं थे। अभी मटर पीस लूँ साथ के साथ में। मैंने सोचा पहले मैं ना चढ़ाने जा रही थी, फिर मेरे को लगा कि अभी तो निबोना क्योंकि बनने में बहुत टाइम लगता है, पूरे मटर को अच्छे से भूंजना होता है और इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो ये होता कि चावल हो जाता ठंडा, तो मैंने सोचा जब निबोना जो है वो आधा बन पक जाएगा तब मैं चावल चढ़ा दूंगी और इधर तरफ रोटियां बना लूंगी। तो रोटियां बनते बनते चावल भी बन जाएगा, तो गर्म रहेगा खाने के टाइम, क्योंकि अभी सर्दियों में ना वैसे ही खाना तुरंत ठंडा हो जाता है, बस थाली लगाओ और टेबल पे लाते लाते ही ठंडा हो जाता है। तो यही कुछ हाल है। तो अभी इसीलिए मैंने ना चावल रख तो दिया है कुकर में, बट अभी गैस नहीं ऑन की है, अभी आराम से कर दूंगी थोड़ी देर में। आपको कलर चाहिए था, ले आई पेंसिल वाले कलर। और यशी आप क्या लाई? बस टॉफी। आप क्यों नहीं लाई कलर? आपको नहीं चाहिए था क्या? आईना यशी लगी हुई है खेलने में। और ये देखिए अब लगभग बन के तैयार हो गया है, तो मैं अब बना ले रही हूँ रोटियाँ। और यहाँ पर आ गई थी आयना अपनी ड्राइंग दिखाने के लिए, तो उसकी मैंने ड्राइंग देखी, बहुत ही सुंदर उसने ड्राइंग बनाई हुई थी। एक डॉल बनाई थी और ब्लू कलर की ड्रेस उसे पहनाई थी। तो यहाँ पर देखो अब सब लोग के लिए खाना लगा। तो मैंने सैलेड वैलेट ना पहले ही कट कर दिया था, पानी भी लगा दिया था, बस रोटियाँ गरम गरम रखनी है और इन लोग को खाना खिलाना है, मुझे भी खाना खाना है। और मैं आपको बता दूँ हम लोग को 3 बज गए थे खाना खाने में। और उसके बाद खाना खाने के बाद फिर फटाफट से मैंने गैस साफ करी और उसके बाद अब चलते हैं बाहर धूप। देखो तुम्हारी बहन झूला झूल रही है, मेरे पास तो नहीं पैसे। कितने अच्छे यशी, आपको आज खाना अच्छा लगा? और आज इतने सारे कपड़े कैसे फैले हैं बालकनी में, है ना? आप बताओ ऐसे कैसे। अच्छा ये बताओ ना, आज तो स्कूल खुला था, आप गई क्यों नहीं हो? और ठंडी है आज, इतनी कड़ी धूप निकली है, देखो ये देखो इतनी तेज धूप है सारे। अरे खाना खाने के बाद तेज नहीं झूलते यशी। हॉल मैंने ठीक कर दिया है और अंदर वाला रूम मैंने ठीक कर दिया है, और ये वाला रूम बचा हुआ है, इसमें अभी बेडशीट मुझे बिछानी है, लेकिन अभी आदर्श बैठा हुआ है, तो कह रहा है अभी थोड़ी देर बाद बिछा देना, मैं बाद में बिछा दूंगी। और बस आयना और यशी भी आने वाली होंगी, 3 बजने में भी 20 मिनट बचा हुआ है बस। यशी कहाँ से आई हो? घर से। घर से? किसके घर से? आंटी। कौन सी आंटी के पास गई थी तुम? स्कूल। कौन से स्कूल? अच्छा, और लंच में क्या ले गई थी आज? बता दो बता दो। मैं ले गई थी लस्सी सब्जी। वाओ, खा ली? अच्छा लगा? हाँ। और आज तो बहुत अच्छी धूप निकाली आपने ना? अब 10 रुपए दो। अभी देती हूँ। चलो पहले ना ड्रेस चेंज करके खाना खा लो, ठीक है?
ठीक है यशी। हाँ हाँ बताना, सारा दिन बजाना, बस ड्रेस चेंज कर लो। ठीक है यशी, इतनी जल्दी तुम तैयार हो गई, कपड़े चेंज कर लिए इतनी जल्दी, वाह। नहीं मम्मा। हाँ फिर क्या हुआ है? मैंने ना पहले से पैंट पहन रखा था और जब मैं स्कूल गई थी तभी से ये पहन रखा। वाह अंदर ये सब पहन के गई थी तुम, गुड गर्ल। आदर्श आए ना यशी, आदर्श ना सुबह से इस जगह से हिला नहीं है, यहीं पे दिख रहा है आज। आदर्श आदर्श जब ये वाला ब्लॉग जाएगा ना तब तुम अपने आप को देखना, तुम कहाँ पे थे, किस पोजीशन में, सुबह से लेके दोपहर तक, अभी रात तक भी तुम यहीं रहोगे और तुम्हें ऐसे ही शूट करूंगी मैं। चलो यशी के लिए खाना लगा दे। एक और दिन मामा ने, क्या बात है, यहाँ तो ये बच्चा तैयार हो रहा है। आए ना, इतनी धूप बाहर निकली, आप ब्लोअर क्यों खोल के बैठे हो? अच्छा, और गुस्सा हो क्या? नहीं। मुझे कुछ सैड लग रही हो आप, क्या बात है। अच्छा आप इसके ऊपर कुछ पहन लो, ठीक है मम्मी। आपको क्या है बाबू? ये वाली टी-शर्ट पहनती हूं तभी आपको बनाना। चलो ठीक है, कल नहीं पहनी और आप? नहीं, अंदर आपने दो तीन कपड़े मैंने कल भी पहनाए थे। चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर तुम पहने रहो, ठीक है। देखो तो आयना और यशी तो आ गए स्कूल से, इनकी ड्रेस भी मैंने चेंज करवा दी है और अब मैं जा रही हूँ दोनों के लिए खाना लगा देती हूँ। मैं भी खाऊंगी, खा रही है अमरूद। अमरूद है बेटा, अमरूद आपको खाना है क्या? लड्डू। अमरूद खाना है? हाँ। अच्छा आप क्या बोल रही थी? मुझे लगा अमरूद खा रही हो। यशी ने सही जवाब दिया, लड्डू खा रही है दीदी। अभी ना शाम के 5:30 बज चुके हैं और आयना यशी जब से स्कूल से आई हैं उन्हें मैंने खाना दिया था तो तब से वो टीवी देख रही हैं 3:30 बजे से, और 5:30 बज चुके हैं तो मैं जा रही हूँ टीवी बंद करने। इन लोग को दूंगी अब होमवर्क क्योंकि आज से आयना को जाना है ट्यूशन भी 6:30 बजे, तो अभी अपना स्कूल का होमवर्क कर ले ताकि, और मैं जा रही हूँ किचन में बर्तन वगैरह अभी स्टैंड में लगाने क्योंकि थोड़ी देर पहले मेड मेरी करके गई है, और चाय वाय जो भी बनानी होगी वो सब बनाने जा रही हूँ। मैं भी बहुत देर से फोन ही चला रही हूँ वैसे इस कमरे में बैठ के, और मैंने उठने के बाद देखिए रूम अच्छे से ठीक कर दिया है, पूरा बेड वगैरह सब ठीक कर दिया है। तो अभी चलिए मैं फटाफट से बंद कर रही हूँ टीवी, ये लोग बहुत देर से टीवी देख रही हैं। इन लोग ना खूब ऐश चल रही है ठंड की वजह से, स्कूल भी कई बार क्या होता है कि ठंड ज़्यादा रहती है तो कुछ स्कूल की वजह से छुट्टी हो जाती, कुछ हम लोग करवा देते तो इनकी छुट्टियाँ भी बहुत हो रही हैं। और ये ना शाम के टाइम का वीडियो था तो बस मैंने मंदिर की जो लाइट है वो खोली हुई है। ठीक है आपको भी भेजेंगे आप ट्यूशन, ठीक है। क्या कह रही हो ना, तुम्हें क्यों नहीं जाना ट्यूशन, पढ़ना लिखना नहीं है? यशी जो है वो पढ़ाई बिल्कुल करती नहीं है, तो मैं कह रही थी तुम्हें भी भेजूंगी ट्यूशन, तो वो तो खुश हो गई, मुझे लगा डरेगी तो घर पे पढ़ाई करने के लिए बैठ जाएगी, बट वो तो और खुश हो रही थी, कह रही भेज दो आज ही से, भेज दो आज ही से, भेज दो। कह रहा मैंने इसको बोला है बैग लेके चलो रूम में, मैं पढ़ाऊंगी तुम लोग को वर्क दूंगी, और उससे पहले ये लोग मेरी हेल्प करवा रही है कपड़े लाने में, ये सब धुल धुल के सुखा कर फोल्ड करके वो वाले रूम में रखे थे मैंने, तो यहाँ पर लाने में इन लोग की हेल्प ली है मैंने क्योंकि बहुत कपड़े थे, आप लोग देख ही रहे हो कितने ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, तो ये दोनों मेरी हेल्प करवा देती है जिन जिन काम में ये हेल्प करवा सकती हूँ, मैं इनसे हेल्प ज़रूर लेती हूँ, वरना अभी से नहीं कराएंगी ना तो ये बिल्कुल भी नहीं सीखेंगी काम करना, और बड़े हो गए तो आलसी बन जाएंगी। तो यहाँ पर देखो आप लोग कबर्ड पूरी भर रही है कपड़ों से, मेरी भी, बच्चों की भी और इनकी भी, और अभी तो शाम की चाय भी बनानी है, बस चाय थोड़ी देर में बनाने ही जा रही हूँ मैं। जूते है तुम्हारी धान से दही मारी, क्यों ये ऐसा क्या मामा ने? अच्छा तुम्हें जूते दे रहा था? जूता दिया था ना तुमको? चलो अब आप पढ़ने बैठो, खाओगे आप। और अब चलिए बाहर की सीढ़ियों की लाइट भी खोल देते हैं क्योंकि अब बस शाम जो है वो होने वाली 6 बजने वाले, तो आजकल तो 5:30 बजे से ही थोड़ा थोड़ा अंधेरा जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है, तो मैं 5:30 या 6 बजे बाहर सीढ़ियों की जो लाइट है वो खोल देती हूँ, और यहाँ पर मैंने लगा दिया कर्टन, अब चल रहे हैं
किचन में पहले पे तो यहाँ मैं जा रही थी किचन में, लेकिन फिर मैंने देखा कि ये लोग पूरा रूम फैला करके रखी थी, और जबकि मैंने थोड़ी देर पहले ही वाला रूम ठीक किया था, बट पूरा गंदा करके रखे थे। अभी शायद यहाँ पर आईने से कुछ खा रही थी तो पूरे बेड में गिरा दिया था। फिर मैंने अच्छे से उसे झाड़ा है, साफ़ किया है, और पूरा बेड शीट वगैरह अच्छे से दोबारा बिछाया है। फिर आकर किचन साफ़ किए, बर्तन, क्योंकि आपको पता है शाम को भी मेरी मेड आती है, तो बर्तन वगैरह लगाए स्टैंड में रखने थे, और गैस से किचन पूरा साफ़ किया। अब ये बन गई हमारी इवनिंग की चाय। तो आप लोग भी आओ हमारे साथ ठंड में चाय पीने के लिए। और चाय के साथ मैं रस्क लेके आई थी। आयना तो अपना स्टडी यहीं पर कर रही है, और यशी जो है वो उस वाले रूम में बैठी थी। फिर बाद में जब मैं चाय लेकर के आई ना, तो ये भी चली आई। और फिर मम्मी का आ गया था वीडियो कॉल, तो वही बात हो रही थी सब लोगों की। चलो आयना तो जा रही है ट्यूशन, अब काफी दिनों बाद 12 दिन बाद जा रही है ट्यूशन। आज 12 तारीख को कंघी करना है, कंघी बिना किए नहीं जा सकती तुम। चश्मा लगा लिया पहले ही, बस ट्यूशन के टाइम चश्मा लगता है तुम्हारा, दिनभर तो नहीं लगता। यशी आप भी अपना लास्ट वर्क करो जल्दी से। आदर्श तुम आईना को आज छोड़ो, ठीक है? अरे वीडियो क्लियर एक बार।